जिला कैथल के गांव वजीरनगर में चैसला विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां एसडीएम देवेंद्र शर्मा, पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों द्वारा उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। साथ ही देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प की शपथ दिलाने के बाद राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। तो इसी को लेकर आज जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत की थी और आज वो साकार होती नजर आ रही है। आज हमारे समाज की सोच बदली है, हमारी बेटियों को मान सम्मान देने का काम कर रही है। आज लिंगानुपात हमारी बेटियों का 209 है, मैं उसको भी स्वीकार करती हूं और उसको भी हम पूरा करवाने का काम करेंगे। और अब से पहले 2019 से आज तक जो गांव में विकास कार्य हुए हैं, इस बारे में भी उसको बताने का काम करूंगी। गांव में 8 लाख रुपए की लागत से जो कि चौपाल का निर्माण करवाया गया है, 1000 रुपए की लागत से स्कूल ऑफिस के सामने पेपर ब्लॉक का निर्माण, शमशान घाट साइड व चार दीवारी का निर्माण, मिडिल स्कूल के कमरे में बिजली फिटिंग व शिव मंदिर से मेन गली तक पेपर ब्लॉक लगाने का निर्माण करवाया गया है। रुपए की लागत से काला पुत्र रणधीर के मकान से माता के मंदिर तक का निर्माण करवाया गया है। गांव में 5,76,000 रुपए की लागत से PWD रोड से लेकर पीर बाबा वाली गली का निर्माण करवाया गया है। गाँव में 9,20,000 रुपए की लागत से JJM पेज से घरेलू गैस कनेक्शन का प्रदान किए गए हैं। गांव में 1,20,000 रुपए की लागत से GMS से लड़कों के लिए शौचालय का निर्माण करवाया गया। 1,34,000 रुपए की लागत से लड़कियों के शौचालय का निर्माण करवाया गया है। गौरतलब है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने लाभार्थियों को गैस कनेक्शन सौंपे, साथ ही उनके साथ सीधा संवाद भी किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।